Brought to you by Techno Camon 30 series. नजर में लफुआ है ना, उनके पास भी बेटा है, उनका बेटा लफुआ नहीं है और हम गरीब लफुए हैं। तो एक तारीख को अपनी ताकत दिखाओ कि हम लफुआ है कि क्रांति है, और कैंची से सबको काटो। ये भीड़ कुछ कह रही है, काराकाट का माहौल बता रही है। ये भीड़ भोजपुरी के सुपरस्टार और काराकाट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे पवन सिंह के लिए है। भीड़ को देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भोजपुरी की पावर स्टार पवन सिंह का क्या जलवा है। काराकाट में पवन सिंह को देखने आई इस भीड़ ने कहीं ना कहीं उनके विरोधियों की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि काराकाट में आज पवन सिंह को समर्थन देने भोजपुरी के हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव पहुंचे थे। मंच से खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की जोड़ी ने बवाल काट दिया, काराकाट का माहौल पूरी तरीके से सेट कर दिया। मन से एक तरफ जहां पवन सिंह ने बीजेपी को इशारों इशारों में खूब ललकारा, तो खेसारी ने भी खुले मन से ये कह दिया कि कैंची से सबको काट दो। नजर में लफुआ है ना, उनके पास भी बेटा है, उनका बेटा लफुआ नहीं है और हम गरीब लफुए हैं। तो एक तारीख को अपनी ताकत दिखाओ कि हम लफुआ है कि क्रांति है, और कैंची से सबको काटो। इसी बीच पवन सिंह के रैली से ये भीड़ का वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। पवन सिंह के रैली में आई भीड़ को देख करके कहा जा रहा है कि ये भीड़ अब बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली है। बता दें कि जब से पवन सिंह ने निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकने का फैसला किया, तब से ही बीजेपी में काफी ज्यादा खलबली मची हुई है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने लगातार पवन सिंह को चेतावनी दी कि वो बैठ जाए, लेकिन पवन सिंह नहीं माने। तब जाकर के पार्टी ने कार्रवाई करते हुए पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद भी पवन सिंह का हौसला डगमगाया नहीं। पवन सिंह अब भी काराकाट में डटे हुए हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि काराकाट में 1 जून को चुनाव होना है, अंतिम चरण में काराकाट में चुनाव है। ऐसे में देखना होगा कि पवन सिंह की रैलियों में आई ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाती है या फिर नहीं। काराकाट की जनता किसे अपना अगला सांसद बनाती है। पावर स्टार पवन सिंह फिल्मों के बाद अब काराकाट में अपना जलवा कितना दिखा पाते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।